फिर बात करेंगे हम लोग मून नाइट की और एक है डॉक्यूमेंट्री जो कि नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है, ट्रस्ट नो वन द हंट फॉर द क्रिप्टो किंग। तो सबसे पहले मून नाइट की बात करेंगे जिसका एक ही एपिसोड रिलीज हुआ है, 45 मिनट का एपिसोड था, हिंदी और इंग्लिश में अवेलेबल है। मैं ज्यादा कॉमिक्स पढ़ा नहीं हूँ तो मुझे इतना नहीं पता, मुझे जितना भी पता है वो मार्वल की मूवीज देख के ही पता चला है और ये मार्वल का ही शो है, बट बहुत ज्यादा डिफरेंट है। हालांकि ऑडियंस को लोकी से भी ज्यादा उम्मीदें थी मून नाइट से, और यकीन मानो पूरी तरह से ये शो लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरा है। कहानी है स्टीवन ग्रांट की जो कि म्यूजियम में काम करता है। स्टीवन ग्रांट बहुत ही भोंदू किस्म का या बहुत ही सीधा किस्म का इंसान है, बट स्टीवन को पता है कि जब ये रात को सोता है ये सुबह कहीं और ही होता है, इसलिए ये खुद के पैर को एक जंजीर से बांध कर सोता था कि ये रात को कहीं नींद मत चला ना जाए। अब ऐसे में स्टीवन ग्रांट के साथ क्या कुछ होता है, कैसे स्टीवन ग्रांट मून नाइट बनता है, ये सब कुछ जानने के लिए आपको फर्स्ट एपिसोड देखना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों ने द मम्मी और मम्मी रिटर्न जैसी मूवीज देखी होगी जहां पर इजिप्ट गॉड्स को लेकर बहुत ही अलग और डिफरेंट किस्म की चीजें बताई गई थी जो ऑडियंस को बहुत अच्छी लगी थी। और उसके बाद ऐसी कोई भी मूवी नहीं, हालांकि बहुत सारी मूवी है लेकिन उसमें उस लेवल की चीजें हमें देखने को नहीं मिली या हमें वो चीज फील नहीं हुई, तो कहीं ना कहीं हम लोग मिस करते थे कि यार वो सारी चीजें वापस आना चाहिए। थैंक यू बोलो मार्वल वालों को, क्योंकि फाइनली उन्होंने मून नाइट में हमें वो सारी चीजें बताई जो हम लोग इतने सालों से भूखे थे। हॉरर एलिमेंट डाला ना भाई, वो आपको स्कैरी करता है, गूज बम्स देता है, और जिस तरह से इस कहानी को आगे बढ़ा रहे टोटली माइंड ब्लोइंग। और एमसीयू के वो टिपिकल मूवीज और टिपिकल शोज देख देख कर भाई बोर हो गया था, लेकिन पिछले कुछ टाइम से मार्वल्स कुछ अलग करने की कोशिश कर रहे, जैसा परफेक्ट एग्जाम्पल शांग-ची था, इटर्नल्स था, और अब मून नाइट है। मून नाइट पूरी तरह से एक अलग ही दुनिया में आपको लेके चले जाएगा, और भाई मुझे इसका बीजीएम भी बहुत कड़क लगा, मतलब इतना जबरदस्त बीजीएम आपने शायद ही एमसीयू की किसी मूवी या शो में सुना होगा। अगर एक्टर्स के परफॉर्मेंस की बात करें तो भाई ऑस्कर इज़ैक जिसने यहाँ पर मून नाइट का रोल प्ले किया, कमाल के लग रहे हैं भाई, मतलब एकदम परफेक्ट कास्टिंग मैं बोलूंगा। और एथन हॉक यार, ये मेरे पर्सनल फेवरेट एक्टर है, और इनका अभी ज्यादा काम तो नहीं पता लेकिन जितना बताया वो काफी डाउन लग रहे थे मुझे। देन ओवरऑल फर्स्ट एपिसोड बहुत अच्छा है, लेकिन इसकी नेगेटिविटी बस यही लगी मुझे कि जितने भी एक्शन सीन्स थे वो बस ये आग कर रहा है और वो एक्शन सीन्स हो जा रहे हैं, मतलब हम ऑडियंस को देखने को नहीं मिल रहा है। तो शायद ऐसा हो सकता है कि आने वाले एपिसोड में जो जो एक्शन फर्स्ट एपिसोड में हुए उसका हमें एक हल्का सा रिकैप दिखा सकते हैं आने वाले एपिसोड में, तो अगर वो दिखा देते तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि अगर हम एक्शन ही नहीं देखेंगे तो फिर हम लोग देखने क्या है, थोड़ा बहुत तो एक्शन होना चाहिए ना। उसके अलावा जो सीजीआई था, सीजीआई मुझे इतना अच्छा नहीं लगा जितना एमसीयू के शो से हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं, तो वो सीजीआई में कमी क्यों है या आने वाले एपिसोड में सीजीआई भी अच्छा देखने को मिलेगा वो तो भाई वक्त ही बताएगा। फिलहाल काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है जो, और लोकी से भी ज्यादा जो इस पर्टिकुलर शो की हाइप थी वो उस हाइप पर खरा उतरा है मेरे हिसाब से। और मैं इस पर्टिकुलर फर्स्ट एपिसोड को रेटिंग दूंगा 6.5 out of 10। अब हम लोग बात करेंगे ट्रस्ट नो वन द हंट फॉर द क्रिप्टो किंग। ये एक डॉक्यूमेंट्री जो कि नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है, लेंथ 1 hour 30 minute की, और आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में देखने को मिल जाती है। अगर ये कहानी आप लोगों के सामने नहीं आती तो आपको ऐसा लगता कि बस ये सारी चीजें सिर्फ फिल्मों में होती है, रियल जिंदगी में तो होती ही नहीं है, लेकिन इस डॉक्यूमेंट्री देखने के बाद पता चला कि नहीं, रियल जिंदगी में भी ऐसी चीजें होती है जो सोच से परे है भाई। खैर ये डॉक्यूमेंट्री जेराल्ड कॉटन जो कि फाउंडर थे कॉडरिगा सीएक्स कंपनी के, अब बेसिकली इस कंपनी में क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज की जाती थी डॉलर्स के बदले। अब हमारे इंडिया के साथ साथ बहुत सारी ऐसी कंट्री जहां पर बिटकॉइन अभी भी बैन है, मतलब लीगल है नहीं है, इसे लीगलता दी नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी जगह जहां पर बिटकॉइन अभी भी चलते। तो ऐसे में एक वक्त ऐसा भी आया था जहां पर बिटकॉइन का जो मार्केट है वो बहुत ही ज्यादा हाई पर चले गया था, और कई कंट्री के लोगों ने बिटकॉइन में इन्वेस्ट किया और बहुत ज्यादा पैसे भी कमाए। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब बिटकॉइन का मार्केट धीरे धीरे गिरने लगा, ऐसे में कॉडरिगा सीए उसके फाउंडर की हो जाती है डेथ। अब वो डेथ के बाद क्या कुछ होता है वो सारी चीजें जानने के लिए आपको ये पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्री देखनी पड़ेगी। देखिए नेटफ्लिक्स वाले, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जब भी कोई डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं तो भाई इनसे अच्छी डॉक्यूमेंट्री कोई बना ही नहीं सकता, और इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्री को जब आप लोग देखोगे तो भाई एज ऑफ द सीट रहोगे लिटरली, मतलब वो 1 hour 30 minute आपको इतने ट्विस्ट एंड टर्न्स और इतनी सारी चीजें मालूम पड़ेगी जो साला आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी की रियल कहानी नहीं बल्कि कोई फिल्मी कहानी देख रहे हो, लेकिन सीरियसली ये रियल में हुआ है। कुछ ऐसे बंदे होते हैं जिनका काम ही होता है लोगों को स्कैम करना, और जेराल्ड उन्हीं में से एक था। मैं इस डॉक्यूमेंट्री को कंप्लीट 9 out of 10 दूंगा, और जहां पर ही खत्म हुई मुझे ऐसा लगता है कि शायद इसका पार्ट 2 आएगा, मतलब उन्होंने अभी तक पूरी तरह से हमें बताया नहीं, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। आप लोग मुझे जरूर बताना कमेंट सेक्शन में अगर आप लोग इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्री को देखोगे तो, और आप लोग भी या क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन में निवेश करते हो
मैं कोई ऐड नहीं कर रहा भाई, क्योंकि मैं खुद नहीं करता तो तुम लोग क्या बोलूंगा, ना मुझे कोई स्पॉन्सर मिला। आज स्पॉन्सर मिलेगा तो बेवकूफ बनाने के लिए मैं तुम लोग को बोलूंगा करो करो, पर अभी अगर अपने को कुछ नहीं मिला तो अपन क्यों बोलेंगे। तो यार बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों ने दोनों पर्टिकुलर शो देखे तो यार मुझे कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कोशिश करते रहो, बाय।